सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेमुनागर ब्लॉग्स। तो यार बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी एक नई शिक्षा नीति निकाली है, बहुत सारी न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे होंगे। तो क्या सीरियसली हम स्टूडेंट्स को इस चीज़ से कोई फ़ायदा होने वाला है? तो यार बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ मिलने वाले हैं नई शिक्षा नीति से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये पास कर दी है और बहुत सारे इस शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं हमारी स्टडी को लेके। स्कूल लेवल पे भी आए हैं, कॉलेज लेवल पे भी आए हैं, मतलब यूजी पीजी कोर्सेज के लिए भी, 10th और 12th के लिए भी आए हैं। तो यार देखिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो अब कक्षा 5 तक, यार क्लास 5th तक, चाहे कॉलेज इंग्लिश मीडियम हो स्कूल उनका, चाहे हिंदी मीडियम हो, हिंदी सब्जेक्ट में ही और हिंदी में ही आपको पढ़ाया जाएगा, जो हमारी मातृभाषा है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि कम से कम हमारे देश के बच्चे, जो नई जनरेशन है, वो टोटली इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। उन्हें हमारे देश का कुछ इतना पता नहीं हिंदी में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर में ही है, मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, तो वो मतलब हिंदी में बहुत कम बात कर पाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन वो शुरू से इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहे हैं। तो थोड़ा, तो मैं ये जो उन्होंने नीति बनाई है बहुत अच्छी है। अगर बच्चे क्लास 5th तक पढ़ते हैं हिंदी भाषा में, तो वो हमारे देश की हिंदी भाषा भी सीखेंगे और फिर उसके बाद 6th से उनको जो आप वो लैंग्वेज चॉइस करना चाहते हैं वो मिलेगी। और फिर अब आ जाइए यहाँ से आप 9th, जब 9th से क्या होता है, हम बेसिकली जब PCM ले लेते हैं, मतलब कोई भी अगर एक सब्जेक्ट ले लें पार्टिकुलर, तो उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट हम नहीं ले सकते। तो यार 9th से लेके 11th, 10th, 11th तक, यार 12वीं क्लास तक आप मान लीजिए हिंदी में अगर आप अच्छा समझते हैं तो 12वीं क्लास तक क्या है कि हम जो सब्जेक्ट हमें लेना है, जो विषय हमें लेने हैं, PCM हो चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसके साथ साथ एक हम एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, एक एडिशनल नॉलेज स्किल्स जो हमें प्रोवाइड करेंगे, एक एक्स्ट्रा कोर्स मान लीजिए, वो हम इंटर लेवल तक ले सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि अगर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है तो अपने मतलब जो उसने सब्जेक्ट लिया उसके साथ साथ वो कंप्यूटर की भी नॉलेज रखेगा। और आजकल किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा नॉलेज कंप्यूटर की ही मांगी जाती है बेसिकली। तो 12th लेवल तक बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। और हाँ, जो बच्चे 10th और 12th में रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, जिनके माँ बाप परेशान रहते थे यार, तो उनकी ये टेंशन बहुत मतलब दूर कर दी बिल्कुल सरकार ने। अब बच्चे खुद अपने रिजल्ट कॉलेज स्कूल में जाके बैठ के बना सकेंगे अपना रिजल्ट, और ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, वो अपने मार्क्स खुद चेक कर सकेंगे, खुद ये चीज़ें देख सकेंगे। बहुत से बच्चे जब तक रिजल्ट नहीं आता टेंशन में रहते हैं कि आगे कहीं अप्लाई करें या नहीं करें, किस फील्ड में हम अप्लाई करें, क्या मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, ये सब। अब बच्चे जो हैं उनको हैंड टू हैंड अपना रिजल्ट पता चल जाएगा कि वो कितने मार्क्स लेके आए, उनका स्कोर क्या रहा है। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी लेवल कि एग्ज़ाम किसी लेवल के, अच्छे लेवल के कॉलेज में किसी भी चीज़ में अप्लाई करना चाहता है, तो वो इस टेंशन से बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो यार ये बहुत बढ़िया मुझे पॉइंट लगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हैं किसी भी कॉलेज से, तो आपको सर्टिफिकेट उस कोर्स का प्रोवाइड किया जाएगा। आप 2 साल करते हैं वही कोर्स, तो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कराया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये चीज़ पास कर दी है। और अगर आप 3 साल करते हैं तो आपको ऑलरेडी डिग्री मिलेगी। और अब क्या होता था, पहले बीए के बाद एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते थे, अब आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं बीए के बाद, कोई आपको एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो बेसिकली मेरा टाइम तो मतलब अब ख़त्म होने वाला है, कहने को मेरी स्टडी पूरी हो चुकी है, मेरा MBA लास्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो अभी अभी जो बच्चे हैं 10th 12th में हैं और जो नए PG UG कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उनको इस चीज़ से। तो यार देखो, अगर नई शिक्षा नीति है तो इस चीज़ को बहुत अच्छा लगी मुझे ये शिक्षा नीति जो मोदी सरकार ने बेसिकली चेंज की है। इस शिक्षा नीति से बहुत ज़्यादा बेनिफिट सच में होंगे। अब आपको वो टेंशन नहीं रहेगी जो आप लेते थे। अब क्या होता था, आप जैसे कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं 3 साल का, कोई क्रिटिकल मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है यार, अनकंडीशनल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो
तो आप एक साल बाद छोड़ के चले जाए तो आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, कोई भी ऐसी डिग्री की हो, 2 साल बाद आएंगे तो आपको वो कॉलेज आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कराएगा। ये इस नीति में बहुत बढ़िया है, 3 साल बाद तो बेसिकली आपको डिग्री मिल ही जाएगी। तो यार इन नीतियों को लेके मैं मतलब सपोर्ट करता हूँ पूरा गवर्नमेंट का, बहुत अच्छी मुझे ये नीति लगी है और ये एजुकेशन लेवल पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं सीरियसली हम लोगों को। तो यार इन एस अब ये नीति ऑलरेडी हमारे देश में अप्लाई हो चुकी है, लागू हो चुकी है और यही अब आगे 10 साल तक फॉलो की जाएगी और हो सकता है मोदी सरकार आगे रहे तो आगे भी ये नीति बढ़ जाए। तो यार इससे ज़्यादा बेनिफिट मेरे ख्याल से अभी तक कोई सरकार हमें नहीं देती आई है। मैं सरकार की अब बात छोड़िए, अगर स्टडी एजुकेशन लेवल्स की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अभी तक का ये सबसे बढ़िया चेंजेस हैं। इससे पहले मैंने कोई ज़्यादा चेंजेस देखे नहीं है जब तक मैंने स्टडी की है, कोर्स संभाला है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम बाद चेंजेस आया है, लेकिन बहुत बढ़िया है हम लोगों के लिए। तो यार आपको इतने सारे बेनिफिट अब नई शिक्षा नीति में मिलेंगे। तो यार अब के जो बच्चे हैं वो खुश रहें, अपने जो स्कोर कार्ड के लिए रिजल्ट के लिए परेशान रहते थे उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन दूर हो चुकी है, बिल्कुल दोस्त ख़त्म हो चुकी है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसी शिक्षा नीति को अब पूरे देश में अप्लाई कर दिया गया है और कई कॉलेजेस अब इस जो नया सेशन लागू होने वाला है, शस्त्र जो नया लागू होने वाला है 20-21, उसमें ये पूरी अप्लाई की जाएगी, फॉलो की जाएगी, हर स्कूल इंडिया का हर कॉलेज इस चीज़ को फॉलो करेगा। सो यार ये वीडियो में मैंने आपको बस एजुकेशन से रिलेटेड बताया था, ये स्टडी ब्लॉग्स हैं मेरे, इस पे आपको ब्लॉग चैनल ही है ये पूरा, आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो यार अगर जो बोर होते हैं दोस्त कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं वो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, जो मुझे चेंजेस लाने हैं मैं डेफिनेटली चेंजेस लेके आऊँगा, लेकिन आपको स्टडी से रिलेटेड रियल बेनिफिट बताऊंगा और अलग 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 प्लेसेस घुमाऊंगा, अलग अलग चीज़ें आपको बताने वाला हूं इस ब्लॉग में। तो यार इस ब्लॉग से ज़रूर जुड़े आइए और मेरा एक चैनल और है इन्फोटेक हेमू, उस चैनल पे भी आप जुड़ जाइए यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है यार। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कोई और अच्छा टॉपिक लेके आऊँ। ये जो टॉपिक था नई शिक्षा नीति को लेके, तो ये रिसेंटली टॉपिक है, तो क्यों ना मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी ये बताऊं, बेसिकली वो न्यूज़ पर देख चुके होंगे। तो यार रियल बेनिफिट, अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप ओपिनियन कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैंने 2 कोर्स मैंने ऑलरेडी किए हैं, आपको कई वीडियो में बचा चुका हूँ। तो यार मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए आप अपना रखिए ध्यान, कोरोना वायरस से आप और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। Thank you.